पैथोलॉजी या आंसर राइटिंग समझ नहीं आ रही, कैसे लिखे, कौन से पैटर्न में लिखे, यस द सॉल्यूशन। सो वेलकम टू द चैनल द फिजियो डोज, और आज का डोज है हमारा आंसर राइटिंग। सो हम पैथोलॉजी का आंसर राइटिंग सीखेंगे। सो सबसे पहली चीज हमारे लिए, हमने इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे बोला हो या नहीं बोला हो, तो हमें उसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे ईडियोलॉजी। जाहिर सी बात है, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो पैथोलॉजी में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ईडियोलॉजी, विच इज कॉज और इन्वेस्टिगेशन। किसी चीज को हमें इन्वेस्ट करना हो, इन्वेस्टिगेट करना हो कि किस पैटर्न में या किस तरीके से हमें जाना है वो डिजीज के सोल्यूशन की तरफ, तो सबसे पहले होता है जरूरी ईडियोलॉजी। नेक्स्ट इज मेन कॉन्टेंट। जो क्वेश्चन में पूछा हो वो तो लिखना जरूरी ही है, तो उसके लिए हम देखेंगे चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहली बात, हम मॉर्फोलॉजी लिखेंगे अगर पूछा गया है तो। मॉर्फोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस मीन्स बाहर से कैसा दिख रहा है, एंड माइक्रोस्कोपिक इंटरनल कैसे दिख रहा है। तो माइक्रोस्कोप से आप ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेगा वो। तो जाहिर सी बात है, माइक्रोस्कोप होगा तो हम उसका कट सेक्शन लेंगे, तो कट सेक्शन देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक, और बाहर से कट सेक्शन करने से पहले उसका आउटरिंग कवरिंग कैसी है वो दिखाना है तो ग्रॉस। नेक्स्ट इज टाइप्स और क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए तो हम उसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज मेन कॉन्टेंट। अगर हमें आंसर के मेन कॉन्टेंट को लिखना है तो हम फ्लो चार्ट के पैटर्न में लिखेंगे और उसी के बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे और फिर मेन कॉन्टेंट की थियोरी स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा मेन कॉन्टेंट हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट इज अप्लाइड। अप्लाइड लिखना मत भूलना। इसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे कि हमें उस पैटर्न के थ्रू, उस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल, थ्रोम्बोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो उसके सिम्टम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे उससे रिलेटेड और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो लिख सकते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग ऑफ पैथोलॉजी। सो ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।